guys, I welcome you all to this channel and this blog. So, आज ये है एक दूसरा दिन मेरी इंटर्नशिप में एज अ डेंटिको. वैसे दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने पढ़ी थी इस किताब मैनिफेस्टेशन में, जो कि लिखी है रॉक्सी नफोजी ने. वैसे ये मेरी अनऑफिशियली पर्सनल थेरेपिस्ट चल रही है आजकल. जस्ट किडिंग. वैसे हम सबको ये तो पता ही है कि प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है. यू नो, लव इज़ दी पावर. एंड इससे भी बड़ी ताकत है सेल्फ लव. सेल्फ लव कैसे? जी हाँ, खुद से प्यार करना सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये हमें बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट करवा सकती हैं. अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे. इसके लिए ऑथर ने इस बुक में 4 स्टेप्स दिए हैं. बिकम अवेयर एंड माइंडफुल ऑफ योर थाट्स. हम जो भी सोचते हैं इसका कुछ ना कुछ अफेक्ट हमारे लाइफ में होता है. दूसरा, ऑनर वेर यू आर. जहाँ भी हो आप सही समय पे सही जगह पे हो. तीसरा, ऑनर वेर यू वांट टू बी टुमारो. इम्पल्सिव डिसीजन लेना हमारे फ्यूचर सेल्फ को कभी सर्व नहीं करता. चौथा, फॉरगिवनेस एंड नॉन जजमेंट. यू नो, सबसे बड़ा मुश्किल काम हमारे लिए यही होता है कि हम खुद को माफ़ करें, लेकिन हम पनिश भी सबसे ज़्यादा खुद ही को करते हैं. गाइस, सेल्फ लव इज़ द न्यू इमोशन. आई होप ये छोटी सी बात आप सभी को अच्छी लगी हो. बट यू नो, इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू. सबसे पहले हमें खुद को फॉरगिव करना पड़ता है एंड देन खुद से प्यार करना पड़ता है. सो यहाँ पे मैं DCI का कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी. मेरा होल बैच जो कि था CPR पे, क्योंकि यंग कार्डियक अरेस्ट के केसेस आर टचिंग द पीक ऑफ द माउंटेन. सो गाइज, अभी मैं पोस्टेड हूँ ऑर्थोडॉन्टिक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पे यू नो इन लेमन लैंग्वेज कहते हैं ब्रेसेस लगाना, वायर लगाना. सो यहाँ पे मैंने ओ रिंग्स चेंज की, जो कि बेसिकली रबर बैंड्स होते हैं जो कि आपको वायर को अपनी जगह पे होल्ड करते हैं. मैंने उन्हें निकाला एंड देन आई प्लेस द न्यू वंस. हे कृति, हु डिड योर हेयर स्टाइल? Great, Anjali ma'am. Anjali the salonist. How was the pizza party? So guys, then मैं घर पे पहुंची and this was the glimmer of the day. एंड द व्लॉग ग्लीमर क्या होता है? तो दिस आर द स्मॉल जॉयज विच वी आर सपोज टू इन्जॉय बट वी यूजली इग्नोर. एंड देन ये पार्सल आया था जिसकी मैं कर रही हूँ अनपैकिंग. बेसिकली दिस वॉज अ गिफ्ट, मेरे एक नियर वन ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस मैं अटेंड करने वाली हूँ लाइक इन December 15th अराउंड इन अहमदाबाद. सो ये उसी की तैयारी में मुझे गिफ्ट किया गया था एंड आई वॉज लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ. आई मीन सीरियसली, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी थी एंड द प्राइस वॉज ऑल्सो लो. इट वॉज अराउंड 350 और समथिंग एंड आई वॉज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट एंड दिस इज माई मॉडल वॉक, बिकॉज वाई नॉट. हेल गया. इंट्रोड्यूसिंग जेंगो गाइज. जेंगो को पेट पे रब्स करना बहुत पसंद है, मेरे हाथों को काटना पसंद है, नाखून मारना पसंद है. और फिर मैं गई थी हार्डवेयर शॉप पे बिकॉज मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी एंड उसके बाद मैंने लिया अपना डिनर जो कि था इडली सांभर एंड चटनी. यहाँ पर मैं पूरे दिन काम करने के बाद अपनी दादी से बातें कर रही थी बिकॉज ये मुझे बहुत रिलैक्स फील कराता है. एंड देन फॉर द डेजर्ट I had this ice cream cake and guys, to be honest, ये अमूल का ice cream cake था and it was just so yum. आप लोग को एक बार try करना चाहिए. Like seriously, मैंने first time खाया था ये. ऐसे तो ये normally देखा जाए तो एक brownie over ice cream जो होता है वही है. And then यहाँ पर I was working on the next project, like oral pathology का project था. So yeah, that's all for this vlog guys. I hope you love it. And kindly subscribe. Milte hain next vlog mein. Till then, ta-ta, bye-bye, take care.